नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खड़काई आई मंज बिच तू बोलियां बोलियां अंग्रेज बिच तू रीमा, गुड मॉर्निंग सीमा। मैं रीमा हूँ और मैं सीमा। तुम डेली भूल जाते हो। तो तुम लोग अपने नाम एक्सचेंज कर लो ना, कन्फ्यूजन ही खत्म। गुड मॉर्निंग मिस्टर ऋषि मल्होत्रा। हाउ कम यू आर लेट टुडे? क्या हुआ? सब उस ऋषि की वजह से। एक दिन ना मैं भी उसे लेट कर दूंगा। लेट ऋषि मल्होत्रा। उसके प्रोटीन शेक में पूरी की पूरी फिनेल की बोतल डाल दूंगा। हाउ मीन? अरे कृपलानी सिस्टर, आई एम जोकिंग। और वैसे भी जब ये पेजेंट वाला अकाउंट मुझे मिल जाएगा ना, तो वैसे ही मर जाएगा। अपनी नाकामयाबी की ऋषि, आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बॉस। क्यों, कार्तिक मर गया क्या? अरे क्या यार ऋषि, जिस दिन वो मर गया ना, मैं 1,25,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा सिद्धि विनायक में। सिर्फ 1,25,000 का? जितनी उसकी मार्केट वैल्यू उतने का प्रसाद। अरे वो सब छोड़ यार, सुन मुझे मालूम है आज डिसाइड होगा ब्यूटी पेजेंट का काम किसे मिलेगा। ऑफ कोर्स आई नो। तुम लोगों को मुझ पे कोई शक है क्या? अरे नहीं यार, तुझ पे शक कैसा?
तेरे जैसा स्मार्ट वेल बिहेव और वेल ग्रूम बंदा है कोई किसी के ऑफिस में? तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट और सिंसियर, तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पूरे ऑफिस में नहीं है। अरे ऑफिस छोड़, पूरे कंट्री में नहीं है। और तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑसम मैन। जानता है जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो मेरा सपना था कि मैं 5x5 के क्यूबिकल से निकलकर ऊपर 20वें माले पे 30x30 के केबिन में बैठूंगा और मेरा अपना पर्सनल बुकशेल्फ, टायर रैक, कबर्ड और मेरा अपना पर्सनल टॉयलेट भी होगा। और मुझे कभी भी उन चपरासियों के साथ खड़े होकर यू नो व्हाट आई मीन। कार्तिक सर, हां ऋषि सर, आपको वाधवा सर ने बुलाया है। कीप योर फिंगर्स एंड टोज क्रॉस्ड, ऑल द बेस्ट। सर आपने बुलाया, पैरी पहना सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स गुड अबाउट द मॉर्निंग भाई? मॉर्निंग तब गुड होती है को काम शाम करो। सर मैंने सारे टिकट्स बुक करा दिए और इस बार जेट ने 20% डिस्काउंट भी दिया है। और सर केटरिंग यूनिट से बहुत बढ़िया डील क्रैक किया है मैंने सर। इस बार खाने में इटालियन भी दे रहे, यू लव इटालियन ना सर। और सर रहने के लिए मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल में 50% का डिस्काउंट भी लिया। सर मैंने अपने अंकल का पुल लगा लिया। सर मैंने बिना किसी अंकल की टैक्सी सर्विस से बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप ले ली। अबे तुम सच बोल रहे हो या मुझे वैसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? सर मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। और सर मैं आपको इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंप्रेस नहीं होंगे तो मेरी प्रमोशन कैसे होगी? I'm impressed, भाई. Sit down. Thank you, sir. भाई मुझे इस अकाउंट के लिए एक ऐसे ही बंदे की जरूरत है जो ना सिर्फ responsible और talented हो, बल्कि honest और sincere भी हो. Absolutely right, sir. ना सिर्फ honest और sincere हो, बल्कि hardworking और intelligent भी हो, sir. Spot on. Hardworking और sincere ही नहीं, बल्कि dynamic हो. Dynamic ही नहीं, dynamite हो. Challenges से खेलना जिसका धर्म, और pressure को tackle करना जिसका हुनर हो. Sorry for eavesdropping, guys. लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? Bang on, Mr. रवि अग्रवाल. इसीलिए इस पेजेंट की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ. Boys, meet this young and dynamic find of mine, Mr. रवि अग्रवाल. He is captain of national rugby team and our new vice president of paradigm entertainment. बता दीजिए भाई. Yes, congratulations. मुबारक हो भाई. Thanks. Congrats. मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूंगा सर. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ ऐसे दो बंदे लगा रहा हूँ जो बहुत ही सिंसियर, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हैं, मिस्टर कार्तिक एयर और ऋषि मल्होत्रा. वेलकम यंग मैन, वेलकम टू माय डेन. बुक्स को संभाल के लाना. yes. कॉलेज के जमाने से सिलेक्ट करके कलेक्ट कर रहा हूँ. इतनी है? दैट्स बिकॉज दे आर द चॉइसेस. यू नो व्हाट, मेरा हमेशा से एक सपना था कि कब मैं अपने 3x3 के छोटे से कैबिन से निकल के ऐसे शानदार स्प्रॉलिंग 20x20 के, सर 30x30, यू आर राइट, 30x30 ऐसे शानदार 30x30 के ऑफिस में बैठूंगा जहां पे मेरा अपना पर्सनल बुकशेल्फ, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल टायर रैक, यस, और मेरा पर्सनल टॉयलेट होगा. एग्जैक्टली, यू गाइस अंडरस्टैंड मी सो वेल यार. हां, साथ में मजा आएगा काम करके. ओके, कम ऑन, लेट मी शो यू सम लेटेस्ट रशेस ऑफ ग्लैमोरामा. कम ऑन सर, लाइट्स ऑफ. And now let's watch. Oh, hi, I'm Shabana Raza, or I'm Mumbai Singh. I'm 20 years old. मेरे वाइटल स्टैट्स है 32, 24, 36. एंड आई डोंट लाइक पीपल हु टेल लाइज अननेसेसरली एंड जो मैनिपुलेट करते हैं जिंदगी में आगे जाने के लिए. सो अगर मैं इस कॉन्टेस्ट में वो एक दोस्त ढूंढ लूँ तो आई थिंक आई ऑलरेडी वन. Oh, 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 oh,
की होगी बात, चाहे कोई ढोके की तो पारी going on। रुक जाए सुस्ते ना रुके तेरे पैर, मछली को यार जैसे you don't freaking care। चाहे ये रात बीत जाए, ये music बंद ना करो। Listen to the beat drop, this party's going non-stop. The music makes me crazy, so loud but not there baby. I'm a bit to dance and move, gonna get into the groove. Aaj puri raat hai party, cause I ain't got no curfew. Jis pe teri nazar, us pe meri nazar, mujhse rehna tu zara, bach ke meri jaan. पल में होगी मेरी जो ख्वाहिश है तेरी, मेरी ही बाहों में वो आएगी मेरी जान। यार बुलाते तू दंगे सारे पैर, नचले तू यार जैसे you don't freaking care। चाहे ये रात बीत जाए, ये म्यूजिक बंद ना करो। चाहे सारा शहर जग जाए, ये म्यूजिक बंद ना करो। प्रीमा सीमा, सबने बोर्डिंग कार्ड्स ले लिए? गुड। मेरी सीट शबाना के बगल में है ना? हाँ है, बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया है सीट का। तुमने डबल चेक किया है ना? हाँ ऋषि, तुम्हारी विंडो सीट है। और शबाना? एकदम तुम्हारे बाजू वाली। तुम्हारा सीट नंबर है 6F और शबाना का है 6E। नो डिस्टर्बेंस। ओह मिस रिया दीक्षित। ओह हेलो। You're looking gorgeous, aren't you? Thank you. Boarding pass वगैरह collect कर लिया आपने? Or you want any help? Oh no, 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 don't worry. I have upgraded myself to business class. You know, it's too hot in economy. I really can't sit there. Well, that reminds me. Competition भी बड़ा tough होने वाला है इस बार. Competition तो tough होगा ही, लेकिन मेरे लिए नहीं, बाकी लड़कों के लिए. Reminisce, yeah. Reminisce. All right, see you. Karthik. Hello guys. Come on, sir. You must focus on your work, please. Yes, sir. Hi. All right, thanks. Hi. It's right up here. Excuse me. अरे जंगली idiot, लाइए मैं रख देता हूँ. Oh, thank you. बहुत भारी है. If you don't mind, what is in it? कुछ खास नहीं, बस जरूरी चीजें. उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी उस बैग में होना चाहिए. आने वाले कुछ दिनों में आपको मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी. ऋषि मल्होत्रा, मैनेजर ऑफ पैराडाइम एंटरटेनमेंट. आई एम शबाना रजा, कंटेस्टेंट. नाइस मीटिंग यू. सेम हियर. आर यू ऑल सेट? कैन आई गिव माय बैग नाउ इफ यू आर डन? यस सर. नो 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 नो, प्लीज प्लीज हैव अ सीट. ओके, योर बैग. थैंक यू. यू आर वेलकम. अब मैं बार बार आपकी मदद करूंगा और आप बार बार थैंक यू बोलेंगी. इससे तो बेटर है कि हम दोस्ती कर लें. आई एम कार्तिक अय्यर, सीनियर मैनेजर पैराडाइम. Wow! I'm Shabana Raza. Of course I know. My God, मैं कितनी lucky हूँ कि मैं इस contest के दो सबसे important लोगों के साथ बैठी हूँ. You wanna sit in the window seat? It's beautiful. Can I? Sure. Thank you so much. Thank you. Come, come, come. You don't mind? Not at all. Not at all. Wow! Hello, boy. Good morning, sir. Good morning, sir. Do you mind अगर मैं इन दोनों के साथ बैठ जाऊँ? Oh no, not at all. तुम मेरी business class seat पे बैठ सकती हो. Oh, okay. Thank you. By the way, Ravi Agarwal, president of this organization, aur in dono ka boss. Oh, well, it was lovely meeting you. Like, bye. Illusion burns when the birds will wild.
Okay girls, अब हम music change करेंगे. I want to see the real choreography, all right? So be alert, cell phones off and pack into the wings. Move, move! चार copies बनाना. वादवा सर को एक, रवि सर को मुझे और कार्तिक. Yes ma'am. Finale के stage measurements और props आ गए क्या? अच्छा नहीं आए. आपने ऋषि से कहा था? हाँ मिस्टर कार्तिक, हम लोग नर्सरी में पढ़ रहे हैं क्या? इससे कहा था, उससे कहा था, ऋषि नहीं लाया तो आप ले आते. What's the big deal? Anyways, just stay with me. I want to discuss something with you. Reema, get me some coffee. I'm Seema. Whatever. अरे सब लोग मर गए क्या? म्यूजिक कहाँ है? हाय, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? देखिए, मैंने ये पोज प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या मैं लेफ्ट पे टर्न करूँ कि राइट पे? आउच, दीदी यार आराम से, लग रहा है. एक्चुअली नो, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, ये मेरी पहली बार है, तो यू नो आई एम जस्ट वंडरिंग मैं क्या करूँ. मेरे पेट पे बहुत चूहे दौड़ रहे हैं. उफ यार, जो तुम्हें करना है वो करो, सिंपल है. नेक्स्ट. ओ नो. ये कोरियोग्राफर तो मैट्रन की तरह है, बस हाथ पे छड़ी नहीं है. I'm so nervous, Rishi sir. Don't be nervous. अरे कुछ साल पहले तक तो मैं भी बहुत नर्वस था. आप भी मॉडल हैं? नहीं नहीं, स्कूल में जब टीचर मुझे गाँव का ऐसे सुनाने को बोलती थी तब. लेकिन अब I've learned the trick is in these beautiful eyes. मेरी आँखों में देखो क्या दिखता है? Dark circles. आँखों के नीचे नहीं, आँखों के अंदर. आँखों में आँखें डाल कर देखो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे मेरे दिल में छिपी एक एक बात लाउड स्पीकर की तरह तुम्हारे दिमाग में गूंज रही है. Got it? ऐसे ही इसी कॉन्फिडेंस के साथ कोरियोग्राफर को देखना. थैंक यू ऋषि सर. मुझे बुला रहे हैं. तुम नर्वस मत हो ना, मैं तुम्हें ऑडियंस में से देखूंगा. इट्स ऑल इन द आईज. लकी के बारे में पता नहीं, मुझे तो पहले उनसे इतना डर लग रहा था. ऋषि सर. हाय. हाय. सॉरी मैं बाद में मिलती हूँ. ऋषि सर. I'll talk to you later. We'll meet again. Yeah. Oh my God, ऋषि सर. मैंने कभी realize ही नहीं किया कि सिर्फ eye contact बनाने से इतना कमाल हो सकता है. Oh my God, thank you. चलो चलो अभी. शबाना, you were very good inside. Thank you so much, Karthik sir. आपको पता है? No. ऋषि सर ने मुझे कहा कि कोरियोग्राफर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाओ विद कॉन्फिडेंस. अच्छा. And you know what? What? It worked. Really? Good, good, Rishi. Very good. लेकिन ऋषि ने ये नहीं बताया कि कल तो चार चार जजेस होंगे. किस किस के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाओगी आप? गिर जाओगे ना चलते चलते. आके तो जजेस चार. ये तो बहुत नाइंसाफी हुई. But don't worry, ऋषि तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएगा, है ना? उसे कल तक का वक्त दो. I'm sure he'll come up with something, है ना ऋषि? Ma'am, ऋषि. Oh yeah, Rishi, where were you? I've been looking all over for you, sweetie. चलो मेरे साथ मेरे रूम में चलो. I have something very important to discuss with you. मैम यही काम कर रहा हूँ मैं, इधर ही हूँ मैं. Very important, Rishi. Come. No, no, please, please. Very sorry. Rishi, work. ज़्यादा देर तक मत जागना, okay? Try to sleep early. I'll talk to you later. No, Rishi. Bye. Rishi sir बहुत अच्छे हैं. He's so helpful. वरना किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं हारूँ या. बिल्कुल सही कह रही हो तुम. He is very helpful.
मतलब यू ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी ऋषि की तरह होता। He's so good with girls, man. लड़कियाँ उस पे ऐसे फ्लैट हो जाती है, ऐसे। सालो। I mean, मैं कोई फ्लैट फ्लैट नहीं हुई हूँ इस पे। अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो कोरियोग्राफर अंदर, पता नहीं ऋषि ने क्या जादू कर दिया उस पे। उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा और बदले में एनीवेज, ये उसका पर्सनल मामला है। हाउ डू वी केयर, डू वी? Hello. It's a wake-up call for Miss Shabana. Rishi sir. A beautiful sunrise is waiting for you outside your window. हाँ, सुबह हो गई। वो तो ऑफिस है। And some beautiful flowers outside your door. For me? अच्छा। Hold on one sec. Oh. आपने ये क्यों भेजा ऋषि सर? कुछ नहीं, बस छोटा सा इनाम है मुझ पे भरोसा करने के लिए। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ हैं ऋषि सर? फोन पे, आपके कान के पास, और कुछ ही देर में आपके साथ ब्रेकफास्ट बुफे पे 8:30। डोंट बी लेट, ओके? मैडम का एटीट्यूड तो देखो, एक रिहर्सल में कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिल गए, इसकी तो चाली बदल गई है। देखो देखो कैसे लुक दे रही है वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋषि सर, फ्लावर्स भेजने के लिए थैंक यू, लेकिन आपको ये सब करने इससे पहले कि आप कुछ और कहें, आई वॉन्ट यू टू सी समवन, कम कम। और लगता है कि इस मैनेजर को शबाना को मैनेज करने की ड्यूटी दी गई है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या? आप क्या चाहते हैं मुझसे बदले में? बदले? तुमको लगता है कि मैं तुमसे कुछ पाने के लिए सब कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। क्या जरूरत है? जीसा, आपको इन सब चीजों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शबाना तुम इस कॉन्टेस्ट में सबसे टैलेंटेड हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह कोई मीडियोकर लड़की है कॉन्टेस्ट जीत जाए। अगर तुम भी मेरी तरह टैलेंटेड होने के बावजूद पीछे रह गई तो मुझे बहुत दुख होगा। I'm so sorry, Rishi sir. I overreacted. लेकिन तुमको लगता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ठीक है, I'll stay away from you. Rishi sir, please. Rishi sir, I'm so sorry. I just overreacted. But how could you? क्या कि कल रात को कार्तिक सर ने कहा था कि वो तो तुम्हें कार्तिक सर पे ज्यादा विश्वास है? क्यों? कैसे कैसे एहसान फरामोश इस दुनिया में है ना। अरे उसको मैंने नौकरी दिलवाई, उसका काम खुद करके मैंने उसे प्रमोशन दिलवाया, सर उठाकर चलने के काबिल बनाया मैंने उसे, लेकिन वो खैर ये सब छोड़िए, आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना। Mr. Raheja, he is the main sponsor of the event. Our main judge, wo, left side mein. Dheere se parhe. Arre Rishi, wo Mr. Raheja ek urgent board meeting ke liye Delhi ja rahe hain. Tujhe pata hai na? I hope you've been informed. Oh, table pe chal raha? Haan, yes ma'am. Yes, ma'am. Mr. Vikram Malhotra, we should be grateful ki aap aaye hain fursat nikal ke. Time nahi hota aapko kabhi. Anything for you, Ravi. Thanks, sir. What time does the show start? 7:10. 10 minutes? मेरा लगेज दूसरी गाड़ी में आ रहा था। If you could just find out that I'll check it right away, sir. Thanks. Sir, तब तक आप यहाँ का special drink पीजिए। मैंने specially आपके लिए बनवाया है। Special drink? Sure. नरेंद्र, bring it. Sir, ये है आपका special drink, sir. नरेंद्र, oh my god! मैं जानता हूँ कि नहीं। Sorry, sir, about this. Stuart, 10 minutes में show शुरू है। Need some help here, yeah. यार रवि, रवि मेरा लगेज भी नहीं आया अब तक यार। सर, आई कैन मैनेज दिस। हाउ? आई कैन मैनेज। अब मेरे साथ मैनेज करोगे आप? ही विल मैनेज इट। सर, आपका सूट बिल्कुल साफ। एंड योर ब्रांड न्यू टाई। ओह, थैंक यू। पर शो तो अब शुरू हो गया होगा ना? नहीं सर, मैंने 5 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दिया है। रियली? आई टोल्ड यू आई विल मैनेज दिस। ओके, आई एम इंप्रेस्ड। कम सर। एट मॉडल्स।
Tough choice, huh? So, who's the internal favorite? Sir, मैंने rehearsals देखी हैं. But I don't want to influence you. What makes you think you can influence me? फिर भी कोई तो favorite होगी. अब आप इतना insist कर रहे हैं तो एक contestant है. I think it's contestant number 8. Confident walk, lovely smile, and those beautiful eyes. Contestant number 8, right? Yeah. Her name is Shabana Raza. Shabana Raza. I look for her. Let's go. लगता है टफ कंपटीशन देने वाली है शबाना. अपनी बात करो बेब्स, नॉट विद मी. शबाना जैसी लड़कियां रोज मुंबई सेंट्रल में अपनी वापसी की टिकट कटवाती हैं, और अगर एक साल में वो वापस नहीं चली गई तो जरूर कोई सास बहू सीरियल में दिखाई देगी. मार्क माय वर्ड्स, बहू के रोल में बहुत अच्छी लगेगी शबाना. बहू के रोल में तो तू अच्छी लगेगी, शबाना को तो सास का रोल मिलेगा. तुम इस शबाना, और किस किस ने फूल भेजे हैं तुम्हें? और किसी ने नहीं, सिर्फ ऋषि सर ने. He's so sweet. Quite smart था. पैजेंट जीतने का अच्छा रास्ता चुना है तुमने. उस चंगू को सेट करके. What are you saying? Oh, baby. पिछले 6 साल से मैं घास नहीं काट रही थी इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में. जब तुम स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लर्टिंग गेम खेल रही थी ना, I was learning how to walk the ramp. हाँ, लेकिन ये सब तो मुझे क्यों कह रही हो? Because I need to put you in your place, ताकि तुम मेरे रास्ते में ना. So now please, can you get out of the way? Shabana, I was looking for you. क्या हुआ? कुछ नहीं. किसी ने कुछ कहा तुमसे? मैंने कहा ना कि मुझे रिया के बारे में बात नहीं करनी है. Jesus, so rude. अरे छोड़ो ना इस रिया को, उसका और तुम्हारा क्या कंपैरिजन है? ऋषि सर, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, ओके? अच्छा, टेल मी समथिंग. अगर राम सीता है तो राम कौन है? क्या? अगर राम सीता है तो राम कौन है? कौन? ऋषि सर, दैट वाज सच अ स्टूपिड जोक. But it made you laugh, na? Shabana, be positive. Smile. और इसी तरह तुम जूरी का भी दिल जीत लेना. और हाँ, एक और बात. इस राउंड के मेन स्पॉन्सर हैं मिस्टर मल्होत्रा, and he is wearing a silver tie. He is the man you must concentrate on. वो ही मेरी मन.
मंजिल और वो ही रह गुजर। हर धड़कन में वो धड़क धड़क मेरे नैनों की वो चमक चमक अब तो मेरी रूह भी ले गया वो लूट कर। बारी में बारी ये साहिब जी हारी में हारी दिलड़ा तुझ पे बेखबर। And the winner is contestant number 8, Shabana Raza. क्या हुआ तुम्हारी prediction का रिया? It's beginner's luck, darling. एक बार तुक्का लगता है, बार बार नहीं. We'll see in the next round. वही तो वेकअप कॉल करते हैं। अच्छा न्यूज़पेपर डालता है कि नहीं? वन मिनट। हाँ कार्तिक सर, एक्चुअली मैंने तुम्हें कल का कॉन्टेस्ट जीतने पर कॉन्ग्रेट्स बोलने के लिए फोन किया था। लेकिन वो तो सिर्फ पहला ही राउंड था। मैं तो आज मिस ब्यूटीफुल हेयर राउंड के बारे में बहुत टेंस हूँ, पूरी रात भर नहीं सो पाई मैं। अरे डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि ये कॉन्टेस्ट भी तुम ही जीतोगी। यू नो व्हाट, you got the most beautiful hair in the world. बहुत स्वीट है कार्तिक सर, really. हेलो शबाना, यू ऑलराइट? हेलो शबाना, शबाना मैं अभी आता हूँ, जस्ट गिव मी टू मिनट्स, ओके? हेलो, ऋषि सर, मैं, हेलो, आया?
शबाना बोल रही हूँ। तुम ठीक हो जाओगी। देखो मेरा एक दोस्त है जो है स्पेशलिस्ट है पैन जिम में, हम उसके पास चलते हैं, हील हेल्पस ओके। लेकिन रात तो कार्निवल है तो सारी सड़कों में ट्रैफिक होगा। ठीक है, काम करते हैं। तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड ओके। हेलो, हाँ मैं रवि अग्रवाल बोल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट पैराडाइम एंटरटेनमेंट। देखो मुझे 10 मिनट में एक जेट स्की स्कूटर चाहिए, 10 मिनट यानी 10 मिनट करेक्ट क्या? कम भाई साहब, बीच पे चलना, चलो चलो जल्दी। आप कहाँ थे? लगता है इसकी आवाज बैठ गई है। ऋषि तू जल्दी से जाके माउथ वॉश से गागल कर, यू विल फील बेटर। आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, मैं अब इसकी ये वाली भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूँ, है ना? ऋषि कम ऑन, इट्स ओके, आई विल मैनेज। वो कह रहा है कि आज तुम कार्तिक के साथ चले जाओ बिकॉज़ इट्स ट्यूसडे। कितने स्वीट है, मुझे हेयर स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे उन स्पॉन्सर्स को, तू ही लाया था ना। लुक एट दिस, या बैड प्रोडक्ट। ठीक है तू उनसे निपट, मैं इसे हेयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाता हूँ। ठीक है, दवाई चलो। ओके ऋषि बाय। अरे ऋषि आए हो, ए भाई आए हो यार। डोंट वरी, मैं कार्तिक सर को कस के पकड़ूंगी, और मुझे स्विमिंग भी अच्छी तरह से आती है। आप क्यों बस पकड़िए। बाय ऋषि सर, चलो चलो, मैं गेटिंग लेट। बाय ऋषि, बाय ऋषि, दवाई ले लेना, हम कस के पकड़ना प्लीज। Fabulous. You are looking gorgeous. Thank you so much, Karthik sir. You saved my life today. Really, you did. No, I mean that's all right, Shabana ma'am. हाँ तो आप भी तो मुझे बार बार कार्तिक सर बोलती हो ना। आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? शायद मेरा नंबर किसी ने पुकारा। हाँ पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। क्या? आपका नंबर कोई बुला रहा है? ओह मुझे बुला रहे हैं। कार्तिक सर, आई मीन कार्तिक, विश मी लक, बाय। ऑल द बेस्ट शबाना। Amazing. सबसे अच्छे बाल तो इसी के, मेरे ख्याल से तो इसी को जीते। Come on!
Cow is the mother of all animals. In India, we worship the cow. Cow is a multi-purpose animal. Not only is it used for milk, but it is also used for transportation. Cow's milk is used to make curd, cheese, tea, and coffee. You can do it. Don't be nervous. You know, Shabana, मुझे बाकी लोगों की तरह बड़ी-बड़ी बातें करने नहीं आती। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। I mean लड़का हूँ, जो कि तुमसे मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। जानती हो शबाना, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी का एम बदल गया है। पहले मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था, जिंदगी में तरक्की करना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाय शबाना, शबाना मैंने तुम्हारे लिए एक पोएम लिखी है। तेरे दिल की खिड़की खोल के मेरे लव को कर दे एंटर, प्यार करेंगे अव्वा अव्वा स्प्रिंग समर या विंटर। शबाना, आज वो दिन आ गया शबाना, जब मैं अपने दिल के दरवाजे खोलकर उसे तुम्हारे दिल के दरवाजे पे बेल बजाने के लिए भेज सकता हूं। टिंग टोंग। वेरी 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 बैड कार्तिक, आई लव यू शबाना, आई रियली लव यू शबाना। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। मेरी बाहों में आ जाओ शबाना, यहां तुम्हें ऋषि तो क्या, हवा भी छू नहीं पाएगी। यू कैन डू दिस कार्तिक अय्यर, ए आर योर की बेबी। अरे यार, आई हैव टोल्ड यू टू कीप इट इन अ बैग सो मेनी टाइम्स, आई हैव टू टेल यू, सी द टाइम, अब लेट हो रहा है। ये सब लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, मुझे दो मिनट बात करनी है, तू बाद में आ। ए वेटर समझा क्या, दो मिनट बात करनी है बाद में आना। देख, मैं चला भी जाता, लेकिन क्या है ना, मैं और शबाना डेट पे जा रहे हैं, तू मुझे बोलना जो बोलना है, मैं बता दूंगा। ओके, गो, गेट लॉस्ट। वो मेरी डेट है, गॉट इट? अबे फटे ढोल, आज की डेट में वो मेरी डेट है। किसी भी मंथ में आएगा ना, तभी वो मेरी डेट रहेगी, समझा? शबाना मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैंने उसे फर्स्ट राउंड जिताया, मल्होत्रा को मैंने अपना टाई दिया, शबाना के लिए खुशामद की, वो मेरी है, got it? तो मैं भी झकनी मार रहा था, उसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास मैं ले गया था, मैंने उसे राउंड जीता है, समझा ना? वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है, मेरी है, वो मेरी है, मेरी है। देख वो, शबाना, शबाना, disgusting, I can explain, शबाना, I can really get lost, शबाना। भोली आंखों में नाराजगी है क्यों, मीठी मीठी बातों में ये बेरुखी है क्यों, खोए खोए ना रहो गुमसुम रहो ना यो, जान ले तू जान ले girl I'm in love with you। हे ना 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 शबाना ऐसे रूठो ना, हे ना 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 शबाना मुस्कुराओ ना, हे ना 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 सजा दे होठों पे हंसी, हे ना 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 शबाना बन जाएगी मेरी जिंदगी, हे ना 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 हो ना 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 शबाना शबाना, हे ना 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 हो ना 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 बन जाएगी मेरी जिंदगी, हे ना 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 हो ना 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 शबाना शबाना, हे ना 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 हो ना 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 बन जाएगी।
से बस इतनी है दुआ, मुझे माफ कर दे जाना, जो हुआ सो हुआ शबाना। हे ना 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 शबाना, ऐसे रूठो ना। हे ना 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 शबाना, मुस्कुराओ ना। हे ना 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 सजा दे होठों पे हंसी। हे ना 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 शबाना, बन जाएगी मेरी जिंदगी। हे ना 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 हो शबाना शबाना। हे ना 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 हो ना ना ना, बन जाएगी मेरी जिंदगी। हे ना 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 हो ना 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 शबाना शबाना। हे ना 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 हो ना ना ना, बन जाएगी मेरी जिंदगी। The reason why we do fit is so that we sort out the day of the show. I'll send the right now. Girls who don't have the badges, meet me on the other side of the stage, okay? Please get it done now, yeah. Get it done now. I'll just sort it out. Hurry up, you can't smoke now. Let's go out. तुम्हें ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे उन दोनों चंगू मंगू ने तुम्हारी कुछ ना कुछ सेटिंग तो कर ही दी होगी। क्यों? जहाँ दो राउंड जितवा दिए तो ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी चाल चल लो तुम उन दोनों के साथ मिलके, ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। और अगर औकात है ना तो अपनी मेहनत से जीत के दिखाओ। एंड आई प्रॉमिस दैट आई क्विट दिस इंडस्ट्री फॉरएवर। इससे पहले कि हम अपने तीन फाइनलिस्ट के नाम अनाउंस करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है, एमिनेंट फिल्म मेकर मिस्टर मधुर भंडारकर। बहुत ही कमाल का जलवा था ये। वेरी टैलेंटेड गर्ल्स एंड आई विश द बेस्ट गर्ल विंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इसीलिए पार्टिसिपेट किया ताकि मैं कुछ दोस्त बना पाऊं, और मुझे लगता है कि मुझे वो दोस्त मिल गए हैं। And the moment we've all been waiting for, the winner of Miss Glamorama 2011, Priya Dixit. शबाना, तुमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया शबाना? ए, ये मेरी लाइन थी। तो शबाना प्लीज बाहर आ जाओ। शबाना मेरे लिए बाहर आ जाओ। शबाना शबाना देखो, तुम ही कहती थी ना कि जीतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो ऐसे ही कहा था उसने। यू थिंक शी मेंटेड क्या? शबाना ऋषि देखो तुम्हारे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है। इसे लगता है कि तुम कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं सकती थी। मैंने ऐसा कब कहा शबाना? अभी बोला शबाना। शबाना तुम बाहर मत आना, तुम बस दरवाजा खोलो, मैं अंदर आके बंद कर लूंगा। शबाना 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 तुम खिड़की खोल दो, मैं खिड़की में से अंदर आ जाऊंगा। ओके शबाना प्लीज। शबाना डोंट लिसन टू हिम। शबाना प्लीज। शबाना प्लीज। शबाना प्लीज। शबाना शबाना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शबाना शबाना प्लीज। शबाना देखो ना शबाना, मैं ये सैश तुम्हारे लिए चुरा के लाया। ये जब तुम्हारे नाजुक कमर पे लहराएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और ये क्राउन जब तुम्हारे बालों पे लगेगा ना तो तुम्हारे चेहरे के नूर से और भी जगमगा जाएगा। क्या कर रही हो शबाना? मुझे गुदगुदी हो रही है। शबाना ये तुम्हारे हाथों पे बाल कब से आ गए? स्टॉप स्नोरिंग शबाना प्लीज। कितनी आवाज करती हो। वो मैडम कहाँ है?
मैडम तो सुबह 6 बजे की फ्लाइट से मुंबई चली गई। मतलब चेकआउट कर गई? हाँ, अगर रात भर तू मुझे चेकआउट नहीं कर रहा होता ना तो अभी मिल जाती। अबे तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो मेरी है क्योंकि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। इतने थोबड़ा देखा है कभी आईने में? अगर मैंने उसे पटा लिया तो शहर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। तो चल चल अपनी पैकिंग शुरू कर दे अभी तू। ओके नमस्ते, वो शबाना जी से मिलना है। बुलाती हूँ। कार्तिक, तुम? हाँ शबाना, मैं। तुम क्या क्या कर रहे हो? अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तुमसे बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों, अंदर नहीं बुलाओगे? नहीं, 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 चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? लेकिन शबाना बताओ तो क्या हुआ? पागल हो गए क्या तुम? क्या कर रहे हो तुम इधर? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम वहाँ से मुझे बिना बताए चली आई। कम से कम जाते जाते एक बार बाय तो बोल देती। तो अब जाते जाते मैं बाय बोल देती हूँ, ओके? गुड बाय कार्तिक सर, आई एक्चुअली कांट बी हियर। शबाना, आई लव यू शबाना। हम जितने भी दिन साथ में थे मुझे हर पल ऐसे लगा जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विल यू शबाना रजा टेक मी कार्तिक अय्यर टू बी योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? कार्तिक, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, अगर तुम चाहो तो ना कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। Did you just say हाँ? ना, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ। तुमने हाँ बोला था ना? मैंने बोला था। ओह, थैंक यू। थैंक यू सो मच शबाना। देखो, क्राउन भले ही तुम्हें ना मिला हो और मुझे प्रमोशन ना मिली हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को मिल गए शबाना। यही बोला चलता ना तू? मेरी लाइनें बोल के तू लड़की को तो ले जाएगा तेरी, पर निभा पाएगा तू कार्तिक? समझ पाएगा शबाना के दिल की हर बात? कर पाएगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी? यू नो शबाना, तुम इसकी बातों में मत आना। वो मैं हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, वो मैं हूं जो तुमसे शादी करना चाहता हूं, और वो मैं हूं जिसे तुम प्यार करती हो। सुनो 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 अपने दिल की बात। सुन रही है? सुन रही है? वो बैरी नहीं है, गूंज रहा है मेरा नाम इसके दिल में। कार्तिक, प्लीज स्टॉप प्रेशराइजिंग मी, प्लीज। आई मीन, मैं तुम दोनों को बहुत चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भी मुझे बहुत पसंद करते हो। आई मीन, तुम दोनों में जो दोस्त मुझे मिला है शायद मुझे दुनिया में ना मिले, लेकिन तुम दोनों में किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जब भी मैं जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे आती हूँ तो डिसीजन मैं नहीं कोई और लेता है। शबाना, मुझे जाना होगा। I'm sorry। शबाना, कोई है इधर? अरे कोई सुन रहा है हमारी बात? अरे कोई सुन रहा है? ओए मेरी किशमिश, मेरे बब्बू गोशे, मेरी लस्सी। टेंशन मत ले, इंटेलिजेंट दिमाग में टेंशन मत ले। किसकी आवाज है? मुझे क्या पता? अरे ये लोग डाल के मुझे कपड़ा। ओए उनके पट्टे, तमीज डाल, पेश आओ मेहमानों से। ओए मेरे ड्राई फ्रूट, मेरे काजू, ओए मेरे बादाम, ओए चप्पी देते यार, ओए पप्पी देते यार। ओए क्या बात है, ना तेरी चप्पी में फीलिंग है ना तेरी पप्पी में फीलिंग है, यू आर फीलिंग ऑल राइट ना? ये हम, मैं कहाँ, ये मुझे यहाँ क्यों ले गया? इनकी तो याददाश्त चली गई है। कोई बात नहीं। ओए पुत्र,
तुम लोग ना किडनैप हो गए हो। किडनैप? वो आगे नहीं आता वापस। ओ पुत्र जी, इस किडनैपिंग के लिए है ना दिल की एक्सट्रीम कॉर्नर से एक्सट्रीमली सॉरी है, और मैंने अपने अखरोट के टखनों से कहा था किडनैपिंग में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर देखो तुम्हारे ब्यूटीफुल चेहरे को कैसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। एंड सॉरी पुत्र, मेरे ब्लड प्रेशर का प्रेशर ना हाई हो गया था, आफ्टर ऑल शबाना का चाचा हूं ना। काजू पुत्र, बादाम पुत्र, देखो मेरा तजुर्बा कहता है कि किडनैपिंग में नैप ना लेने की वजह से सफर में बंदा थक थक जाता है, इसलिए नाश्ता नुश्ता करो, ड्राई फ्रूट ट्राई करो, काजू है, बादाम है, किशमिश है, मेवा है। थैंक यू चाचा जी। जी जरूर चाचा जी, दरअसल बात पूछनी थी कि आपने हमें इस तरह किडनैप क्यों किया? मजबूरी पुत्र है। देखो अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में बैठने के लिए एक चारपाई भी नहीं है, तो तुम मेरी शबाना की तरफ पलट के भी देखते? अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं एक बीमार आदमी हूँ, मेरे जोड़ों में दर्द है, तो तुम सोचते शबाना एक मरीजों की फैमिली से बिलोंग करती है, तो तुम उससे रिश्ता जोड़ते? अगर मैं तुमसे ये कहता फोन करके कि मैं एक चोर उचक्का उठाई गिरा हूँ, तो तुम मेरा फोन उठाते? बस चाचा जी बस, प्यार धर्म मजहब ऊंच नीच जात पात लंगड़ा लूला गूंगा बहरा काला गोरा अमीर गरीब नया जूना पट्टा पुना कुछ नहीं सोचता। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन चोर उचक्का क्या, अगर आप अंडरवर्ल्ड डॉन होते, क्रिमिनल डकैत होते, अगर आप 8-10 खून कर चुके होते, स्मगलिंग काला धंधा फिरौती भी कर रहे होते ना, फिर भी मैं आपके पास आता, क्योंकि सच्चा प्यार इन सब चीजों को नहीं मानता चाचा जी। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ओए एक अनार का दाना है, दूसरा अंगूर का गुच्छा है, अच्छा है। ओए सुनो काजू के छिलको, देख रहे हो, लाइफ में पहली बार ऐसे लड़के मिले हैं जो मुझे एक पतीजी का मजबूर चाचा समझते हैं। ओए इनसे कुछ मत छिपाओ, ये अपने ही पतीजे हैं, निकाल लो अपने छुरे चाकू बंदूक गन और बता दो इनको कि असल में चाचा कौन है। काजू पुत्र, बादाम पुत्र, फिर से इंट्रोडक्शन दूं, आई एम चाचा ऑफ शबाना। हेलो सर। डोनो का डॉन, पंजू डॉन फ्रॉम पंजाब। मेरी स्पेशलिटी है कि किसी भी मुल्क की पुलिस मेरे को नहीं ढूंढ रही है, लेकिन मैं सारे मुल्कों में अपनी शबाना के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ जो आज मेरे को मिल गया है। डॉक्टर वोंग। यस सर। ये है मेरे दामाद दोनों। डॉक्टर वोंग, यू आर रॉन्ग। यही तो मेरी लाइफ में एक छोटा मोटा कंफ्यूजन है कि मेरी शबाना है ना हमेशा डबल माइंडेड रहती है, उसको हर चीज ना डबल देनी पड़ती है। भाई कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि आर्ट्स चाहिए कि साइंस, मैंने कहा पुत्र दोनों कर ले। भाई कार चाहिए थी तो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि रेड चाहिए कि व्हाइट, मैंने कहा पुत्र दोनों ले ले। अब शादी करनी है तो किशमिश डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि उसे काजू चाहिए कि बादाम। भाई मैंने कहा पुत्र मैं तुझको लाइफ में सब कुछ डबल दे सकता हूँ, लेकिन डबल हस्बैंड नहीं दे सकता, इसलिए मैंने तुम दोनों को किडनैप करवाया। अब मैं तुम दोनों को है ना ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग? हाँ, भाई बाद में धंधा भी तो संभालना है मेरा, और जो इस ट्रेनिंग में पास हो जाएगा ना वो मेरी शबाना के पास चला जाएगा। मैं चाचा जी मैं सोच रहा था कि मैं एक बार ट्रेनिंग के पहले घर जाके मिलके आता हूँ। और किधर जा रहा है? हाँ ऋषि, एक्चुअली तू यही रुक, मैं जाके अपने चाचा जी से मिलके आता हूँ। जा रहा है पुत्र, मैं भी तो तेरा ही चाचा हूँ और ये भी तो तेरा ही घर है, अब तो लाइफ रूप के साथ शादी का कार लेके जाना कार। हाँ चौमिन, खबर सही है भाई, वो ऊपर है, 2 बजे अपने फैमिली के साथ टीवी में रामायण देखता है। उसके रामायण शुरू होने के पहले उसका महाभारत कर देंगे। हेलो टाइम कम है, काम चला निकलो। एड्रेस बोल। रूम नंबर 2203, 22 माला। अच्छा है, पहले से ऊपर वाले के करीब है, गेम बजाने में आसान होगा, पूरा बटालियन आएगा। चलो कौन सा माला बे? 22 माला। कमान
तू जाएगा तो चाय पीऊंगी। कौन सी चाय? और तू अभी आ रहा है? इतना नहीं। अरे कहाँ से गटर का पानी भी कर आया? अरे दूध तो देता जा। हाँ जी, कौन चाहिए? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अंदर क्यों आ रहे हो? अरे छोड़ो, कौन है? अरे सर देखिए, ये कौन अंदर आ रहा है सर? ये कौन है? कौन है ये इसके लफड़े हैं जो आज घर तक आ गए हैं। मैडम ये कौन है? मैं नहीं पहचानती हूँ। ये इसका बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में लड़ाई पड़ रही है। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखी। अगर हमें यहाँ नौकर चाहिए तो अच्छे से काम। अरे चुप करो तुम लोग, मछली बाजार बना कर रख दिया तुम लोगों ने। अरे कौन हो भाई, यहाँ कैसे आ गए? सुना है ना प्यार? अरे भाई पानी लाओ उसके लिए। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, आई एम फ्रॉम गुड फैमिली सर। ये तीसरी बार ना मेरे पासपोर्ट का पेपर रिजेक्ट हुआ है, साइन कर दीजिए सर। अच्छा तो तुम हो मनोज त्यागी वल्द विशंभर त्यागी? अरे भाई दुनिया में कोई कानून कायदा होता है कि नहीं होता? फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन है नहीं, मैं कैसे तुम्हारे लिए पासपोर्ट इशू कर दूं? आप मेरे पिता हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे देवता हो, आप मेरे पालक हो। बचपन से एक ही शौक कि फॉरन घूमूंगा, और अब जब फॉरन घूमने की बारी आई तो आप सिग्नेचर नहीं कर रहे। मैं भी तो आपका बच्चा हूँ सर जी। मेरी लाज आपके टांगों के बीच में है सर जी। अरे भाई पैर, इधर आप मुझे ये मुल्क छोड़वा, मैं आपका पैर छोड़ दूंगा। अरे पैर छोड़ो भाई, साइन करो सर जी, साइन। भाभी जी आप बोलिए ना, करे साइन ये। अरे भाई को पेन दो, पेन 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 लाओ ना सर जी। साइन किया किया, कर दिया। अब तो खुश? आज आपने एक गरीब का दिल टूटने से बचा लिया सर। आपके बच्चे जिए, आपका खून पिए। भाभी जी आज से आपको कोई भी काम, चोरी, डकैती, फिरौती, मर्डर, घर पे कब्जा करना हो, सुपारी, कोई भी एनीथिंग, एक्स वाई जेड, आपका नंबर तो मेरे पास होगा नहीं तो मुझे बुला लीजिए। आई काम हो गया? प्रेशर कुकर की सीटी और मुन्ना की बोली जब भी बजे समझो काम पक गया। मुन्ना सर, चाचा ने एक अर्जेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बोला है। किसको ट्रेनिंग देनी? कौन सी ट्रेनिंग देनी है, हवलदार की या सिपाही की? घर जमाई की? फिर तो हॉस्टल चलना पड़ेगा। मैं तो आपको गलत फहमी हुई है भाई साहब। देखिए देश के जितने भी भाई लोग हैं, चाहे वो क्यों 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 या फिर सब के सब ए टू जेड चाचा को रिपोर्ट करते हैं। वो क्या है कि आजकल हमारा बिजनेस थोड़ा फैल रहा है, हर तरफ से वो क्या रहा है बे? चलो भाई। सब बे कुत्ते टेक ओवर भाई। हाँ टेक ओवर की बात चल रही है। कश्मीर का थोड़ा डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से हम लोग की बातचीत चलती ही रहती है हमेशा ना हमेशा। और अंग्लादेशी बांग्लादेशी से चचा कोई मूड नहीं है उनका बिजनेस करने का, सिर्फ चाइनीज सीख रहे हैं चचा आजकल। उनको लगता है एक ना एक दिन चाइना के किसी चौक पर चचा के नाम की चांदनी चमकेगी। तुम लोग को क्या लगता है? अंधेरा। ओ यू ब्लडी, ये कौन सी जगह है? ओए कैसा माहौल है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे घुटन सी हो रही है। मैं हूँ मुन्ना मिलिट्री, चचा ने तुम लोग की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और यह है तुम्हारा हॉस्टल, तुम यही रहोगे। हॉस्टल? हॉस्टल? कौन सी यूनिवर्सिटी की? अंडरवर्ल्ड प्राथमिक पाठशाला हॉस्टल। बड़ा दिल में लड्डू बल रहा ना प्यार का। इधर आइए। देखो कसम खा के बोलना, शबाना से प्यार है जी। मुन्ना जी सच बात तो ये कि बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं शबाना। तो फिर रहो यहीं। यहाँ कैसे रह सकते हैं हम? क्यों नहीं रहे? यहाँ केबल टीवी है ना। अच्छा फ्रिज में ठंडा बियर वगैरह? सॉरी रखना भूल गए। तो फिर न्यूज़पेपर भी नहीं आता होगा ना? नहीं, और इस फोल्डिंग पलंग में कैसे सोऊंगा मैं, मेरी कमर में प्रॉब्लम है। और मुन्ना भाई वो क्या है ना, मुझे मिनरल वाटर की आदत है, उसके बगैर ना मुझे पेट में प्रॉब्लम होता है। अबे दमाद बने नहीं हो अभी, एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ शबाना की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लास्ट ईयर शबाना की आंखों में दो बूंद आंसू आए थे, चचा भड़क गए।
हमने समझाया उनको, चाचा प्लीज ये खुशी के आंसू हैं, तीन लोगों को टपका दिया। और कहते हैं दुख के आंसू हो या खुशी के आंसू हो, उनको शबाना के आंखों में आंसू नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। दुनिया को चलाने के दो रास्ते हैं, या तो दुनिया को चलाओ या दुनिया से खुद चल जाओ। कंस या रोजेस। भागना चाहिए, मेरे चाचा बहुत खतरनाक इंसान है। पर शबाना तुमने हमें पहले बताया नहीं कि तुम्हारे चाचा एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। एग्जैक्टली, इस नरक में तो नहीं फंसते। बताती तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करते, बताती तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऋषि तो ये कहना चाहता था कि अगर पता होता तो हम चाचा से कहते सरेंडर करने के लिए। संदेश ने भी यही कहा था। संदेश? लेकिन लेकिन अगर चाचा को पता चल गया तो? पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन तुम दोनों वो गलती मत करना जो प्रथमेश ने की थी। प्रथमेश? तुम दोनों को मेरे बारे में भूलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा चाचा मुझे मार डालेंगे। और मुझे क्या करेंगे? क्या तो फिर भाग जाओ ना। ग्रेट आइडिया, मैंने यहाँ पर एक खिड़की देखी है, मैं वहां से कूद के भाग जाता हूँ। ओके हाँ चल भाई। बाय बाय। बैड आइडिया। क्यों? आदेश ने भी यही गलती की थी। आदेश? हाँ तो फिर तुम ही बताओ ना कि सही ऑप्शन क्या है। हाँ। तुम दोनों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ग्रीस। ग्रीस? हाँ। ग्रीस क्यों? वो एक ही जगह है जहाँ पे चाचा जी की पहुंच नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें पता है ग्रीस कितनी दूर है, ऐसे कैसे ग्रीस चले जाएंगे? उसके लिए तो मुझे स्वदेश को कॉल करना पड़ेगा, उसकी ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे पता नहीं कि वो जिंदा है कि चाचा ने उसे। शबाना रोना मत, रोना मत। चाचा हेट्स। शबाना प्लीज देखो, रोते रोते बाहर मत जाना, और अगर रोना आए भी तो अंदर ही अंदर रोना। पर शबाना स्वदेश, आदेश, संदेश, प्रथमेश कौन है बताओ? बलविंदर का नाम लेना भूल गई। बलविंदर? ये सब शबाना पे मरते थे और अब मर गए। ट्रेनिंग में नाकामयाब रहे तो चाचा ने जिंदगी से बेकाम कर दिया। खैर रात में मरे मुर्दों का नाम नहीं लेते, तुम लोग चैन से सो जाओ। चैन से? हाँ कल बहुत भारी दिन है, अगर गाड़ी स्टार्ट कर लो। और सुनो, मुंह नीचे करके खड़े रहो, यहीं कोई पहचान ना ले। यहीं रहता उस्मान छक्का। उस्मान छक्का? चचा का खास आदमी था, एक दिन पिछवाड़े में
चुरा भोग कर तकिया लेकर भाग गया। समझ रहो, वही तकिया तुम लोग को लेके आना है, जाओ। तकिया मतलब पिलो? यस। आप हमको इतनी दूर तकिया लेने को लाए? यस। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं नया तकिया ले आता हूँ ना चोर बाजार से, मैं भी चलता हूँ इसके साथ। चला, चचा का खास तकिया है वो चाहिए तो चाहिए, बात फिनिश। जाओ उस्मान छक्के से तकिया लेके आओ, जाओ। उस्मान छक्का के सच्ची में यूनक है? क्या बोला रहे? वो पूछ रहा है क्या उस्मान हिजड़ा है? प्लॉट नंबर 3, बंगलो नंबर 3, 3x3 छक्का, आई मीन सॉरी 6। गुड, जाओ जाके लेके आओ। होशियारी की ना तो आप नहीं चलेंगे साथ में? मुझे पहचानते हैं, मैं गया तो भारत पाकिस्तान मैच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे? अबे यहीं पे। उस्मान भाई कहाँ है? उस्मान भाई बहुत खतरनाक है यार, नाम लेते ही लोग रोने लगते हैं। चुप बे, लगता है किसी की डेथ हुई है अंदर, चल। अरे बहन जी, वो उस्मान भाई कहाँ है? क्या हुआ, आप रो क्यों रही? हेलो, क्या बे, क्या किया तूने? कुछ किया नहीं भाई साहब, मैं खाली बहन जी से पूछ रहा था उस्मान भाई कहाँ है। उस्मान भाई? वो तो चले गए। वो देखो वहाँ बच्चों की तरह सो रहे। खुदा को भी आपको आज ही उठवाना था। अरे जाते जाते कम से कम बता के तो जाते। अरे उस्मान भाई, मैं नहीं हूं, अंदर है। सॉरी हां, अंदर चले। उस्मान छक्का किधर है? अबे उस्मान छक्का तो मर गया, लेकिन इन सब तकियों में से अपना तकिया कौन सा है? ये आंटी हंस रही है, रो रही है? कैसे हो भाई लोग? सलाम आंटी। सलाम। मैं आंटी होगा तेरा बाप, मैं हूँ। मैं ही हूँ। मैं नहीं, अभी जो ड्रॉप किया था मुन्ना। मिसेस मुन्ना। ओ नमस्ते। नमस्ते। आपके हस्बैंड आज सुबह आए थे यहाँ पे। हाँ, उस मैयत में निकाह पड़ रहा है। मुन्ना भाई, आप यहाँ? मामला टेढ़ा हो गया, उस्मान भाई खाके सुपुर्द हो गए। तो प्लान कैंसिल? हट, तुझे बड़ी जल्दी रहती है, प्लान कैंसिल। ये ले प्रोग्राम शुरू। आखिरी उल्टी इसी तकिए पे की थी उस्मान भाई ने। इसे भी उन्हीं के साथ रख देते हैं। अरे भारी है तो मुझे दे दे बेटा, यही तो वो तकिया है। ये लो लपेटो। अबे डकैत पिक्चर की शूटिंग करने नहीं आए तुम लोग, मैयत में आए तो सर पे लपेटो। सुनो, यही वेट करना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उस्मान भाई, ये आपका तकिया जो आपको बहुत प्यारा था, आपके साथ ही रख देता हूँ। जिंदगी का इल्म हमने मर के ही जाना। अरे आपसे बोल रहा हूँ, उठाओ भाई, उठाओ, आप भी उठाओ। जाना
इन्फॉर्मेशन सही है? मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चाचा है ना चाचा, चाचा को तो आप जानते होंगे सर, चाचा बहुत खतरनाक है सर। ये चाचा वाचा सब लोग है ना अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए सर। चाचा ने अपने दो खतरनाक आदमी मुन्ना और ऋषि उनके साथ मुझे भेजा सर, उस उस्मान के कफन से कोई तकिया निकाल के लाने के लिए सर। मेरी शक्ल देखिए, मैं आपको गुंडा लगता हूँ, मैं खतरनाक नहीं हूँ सर, लेकिन चाचा बहुत खतरनाक है। हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले चाचा का इन सब में क्या लेना देना है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, चाचा का और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है, पूरी से फंसाया गया। मैं आपकी मदद चाहता हूँ सर, प्लीज। ये सारा प्लान है ना प्लान, वो ऋषि का है सर, ऋषि का। ऋषि और मुन्ना कफन को उड़ा के लेके गए, गाड़ी में डाल के भाग गए। मैं तो कहता हूँ सर, ऋषि को उम्र कैद की सजा हो जाए। एक मिनट, जब वो गाड़ी लेकर भाग गए, तुम कैसे बच गए? मैं गाड़ी में चढ़ा ही नहीं सर, मैं आपके पास भाग के आ गया, लेकिन उस्मान के लोग गाड़ी के पीछे जाने के बजाय मेरे पीछे आ गए सर। ये उस्मान कौन है? उस्मान, उस्मान वो जो कफन में, कफन जो गाड़ी में, गाड़ी जो मुन्ना के पास है, मुन्ना चाचा का आदमी है। बस बस बस, तुम सच बोल रहे हो ना? आपकी मम्मी की कसम मैं सच बोल रहा हूँ सर। ओके डन, आपका तकिया। ओए केले के छिलको, सबसे पहले तो ये बताओ कि किसके सुपर माइंड में जनाजे को हाईजैक करने का आइडिया आया था? शशांक अंकल, मैं, इट्स मी। ओए छिलको से तू खजूर नहीं खाता क्या तू आजकल? तेरे नाम के आगे मिलिट्री है, इसका मतलब ये है कि तू मेरे दोस्त की डेड बॉडी को सड़कों पर परेड कराएगा। गलती हो गई प्लीज। वो गलती तुझसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। मुझसे, 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 मुझसे। चाचा को जब भी गुस्सा आता है, चाचा अपने चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे। कमाल है, जब गुस्सा आता है तो खुद को मारती है, और जब प्यार आता है तो हमको मारती है। चाचा एक बार सुन तो लो, उस्मान अंकल के मरने की इतनी तकलीफ होगी आपको, हमें मालूम न था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, ठीक। तकिए पे सर रखने से गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हुआ है। पानी पीजिए। तेरे को लगी तो नहीं? चाचा अंकल आप प्यार से थप्पड़ क्या कुछ भी मार लेंगे चलेगा। ओ खुश किता है, ओ खुश किता, ओ खुश किता, ओ खुश किता। कोई रोकना है? खुशी क्या सोच रहा है? अच्छा अब निकाल वो कपड़े, नहीं इसमें से हीरे निकाल। ओए पल्ले, ओए पल्ले, अब फेंक दे। हीरे नहीं, तकिया फेंक। ओ चाचा आ गया आपका हीरो। चल चाचा, मैं परेशान क्या, चल चल चलाओ सीधा। चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं। बादाम पुत्र कमाल कर दिया, मतलब कमाल ही कर दिया तूने तो। वो क्या कारनामा करके दिखाया है? मैंने क्या? वो मुझे पता था मेरा बादाम कड़वा हो ही नहीं सकता। अच्छा। और मिलिट्री इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इधर आना, इसने मेरे को है ना पुराने दिनों की याद दिला दी है, जब मैं भी गैंगस्टर बनने का कोर्स कर रहा था। 1973 की बात है, बरसों हुआ बीच पर हमारा कंसाइनमेंट लैंड करने वाला था, याद है तेरे को? वो याद है यार, दुश्मन गैंग ने हमारा कंसाइनमेंट लूटने के लिए हम पे अटैक कर दिया था। मैं चकमा देने के लिए गड्डी लेके भागा था, वो भी मेरे पीछे भागे थे, याद है तेरे को? याद है यार। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में घुस गया था, वो भी मेरे पीछे घुस गए थे, उनको लगा कंसाइनमेंट मेरे पास है, लेकिन कंसाइनमेंट तो मेरे बंदे पहले से ही लेके रफू चक्कर हो गए थे। याद है तेरे को? ओ कब जी, याद है कितना डेयरिंग काम किया था मैंने। ओ पुत्र सेम टू सेम डेयरिंग काम करके तूने आज हिस्ट्री को रिपीट कर दिया है गोल्डन वर्ड्स में। आज से शबाना का हाथ तेरे हाथ में आने के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। अब उतर पप्पी दे यार। क्या बात है, तेरी पप्पी में फीलिंग ही नहीं है? कैसे होगी फीलिंग चाचा जी, कैसे होगी? सॉरी चाचा जी, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इस शाबाशी का हकदार मैं नहीं कोई और है। कौन है? ऋषि मुनि मल्होत्रा। पर ऋषि लोग तो मुनि होते हैं। मल्होत्रा होते हैं चाचा जी, मल्होत्रा। अरे यार ऋषि तू चुप क्यों है, चुप क्यों है तू? बता दे चाचा जी को कि ये सारा मास्टर प्लान तेरा था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास, बकवास सिचुएशन में फंस गए थे हम लोग चाचा जी, मुझे तो लगा था कि हम लोग इसमें से निकल ही नहीं सकते, लेकिन ऋषि क्या दिमाग पाया तूने ऋषि, मजा आ गया। बता बता दे चाचा जी को कि कैसे तूने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊं ताकि तुम लोग तकिया लेके चाचा जी के पास पहुंचो। बता देना चाचा जी को कि उस्मान के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करने का सारा मास्टर प्लान तेरा था मेरे दोस्त। मेरा था कि तेरा था? गुस्सा? अरे यार एग्जीक्यूशन मेरा था, लेकिन
बेसिक प्लान तो तेरा ही था ना, और तेरे आइडिया का क्रेडिट मैं कभी नहीं ले सकता है ऋषि। काजू पुत्र, ये आइडिया तेरा था और तू चुप खड़ा है? नहीं, सैक्रिफाइसिंग नेचर कहां से सीखी तूने? बचपन से चाचा जी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये प्यार जो आप मुझ पर बरसा रहे थे, इसका असली हकदार ऋषि है। ओ जिंदा रहे पुत्र, ओ जिंदा रहे। ओ मुझे पता था बादाम तो फिर भी कड़वा हो सकता है, लेकिन काजू तो लाइफ में कड़वा नहीं हो सकता। ये कह रहा है ऋषि, गले मिल चाचा जी के। देखता नहीं चाचा जी कितने खुश हो रहे हैं। ओए पुत्र, वो जब शबाना को पता चलेगा तो कितनी खुश होगी वो। ओ यार, मुझे तो पहले से ही पता था ऋषि लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो हाथ हटा ले पुत्र, मुझे अपनी खुशी जाहिर करने दे। प्लीज पुत्र, प्लीज पुत्र, प्लीज पुत्र। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे ऋषि, ले चिकन लेना। नहीं थैंक यू। अरे थैंक यू क्या है, लेग पीस लेना, खास तेरे लिए बचा के रखा है मैंने, ये ले। और रायता, ओ यार रायता तो खत्म हो गया। अरे भाई साहब रायता लाना, रायता। बस कर अपनी चापलूसी, तेरी औकात पता चल गई है मुझे। भागने की कोशिश करता है और चाचा से कहता है मेरा आइडिया था, कमीने। तू सही कह रहा है ऋषि, मैं बहुत ही कमीना, घटिया और तुच्छ किस्म का इंसान हूँ। तेरी मेरी क्या बराबरी यार। मैंने बहुत सोचा ऋषि, आई ने रियलाइज कि मुझसे ज्यादा तू डिजर्व करता है शबाना को और तू आजादी को। हाँ, मैं सड़ू इन लो क्लास भाई लोगों के बीच में और तू बाहर ऐश से सिविलियंस की लाइफ जिए। क्यों तू ना गा। इतना बड़ा आदमी होके भी इतनी छोटी बात कह दी तूने ऋषि। सोच तूने आज तक क्या क्या नहीं किया शबाना के लिए, मुझ पर हाथ तक उठाया यार। मैंने क्या किया? जो तूने किया उसका मोल तो शबाना भी नहीं चुका सकता। मैंने, मुझे पूरा यकीन है कार्तिक कि तुम और शबाना जहां भी रहोगे खुश रहोगे। नहीं ऋषि, मुझे पूरा यकीन है कि तुम शबाना को जहां भी रखोगे खुश रखोगे। ओके, देखा तुम दोनों भी कंफ्यूज हो गए ना। बहुत। मैं तो यहां आपको थैंक यू करने के लिए आई थी कि भागने के बजाय आप दोनों अपना प्यार का एग्जाम दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं, वो हमारी ले रहा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं क्या लेके आई, खीर। मैं खुद बना के लेके आई। कल पैजेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मुझे पता है कि वो रिया सबके सामने मेरा इंसल्ट करेगी कि उसने कितने फिल्म साइन किए हैं, कितने एंडोर्समेंट साइन किए हैं। और शबाना, तुमने क्या साइन किया? छोड़ो, मैं नहीं जाने वाली। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Yes, you must go and you must speak the truth. हाँ, यही कि तुम्हारी शादी हो रही है। किसके साथ? ऋषि से। How sweet. लेकिन ये डिसीजन तो चाचा जान ही लेंगे। तुम दोनों ने बस जी जान से मेहनत करना, ओके? मेहनत कहाँ करनी है मैं बताता हूँ। चाचा शबाना के हार का बदला लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें आज किसी को किडनैप करना है बस। किडनैप? किसका? रिया, रिया दीक्षित लड़की का नाम है बे। समझे? गाड़ी ऑन रखना, पेट्रोल महंगा है। समझे? वेरी गुड। मुंह खुला और आंखें बंद। अरे अंधे के स्कूल में आए हो तो अंधा तो दिखना चाहिए कम से कम। कुछ देखना सुनना नहीं, सिर्फ समझना। अरे यार, हम लोग ये किडनैपिंग कैसे करेंगे यार, ये मुन्ना तो पागल हो गया है। अबे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, वरना बिट्टू है ना बिट्टू, फोटो निकाल देगा अपनी फोटो। ओए वो देख, दीमा सीमा। ओ तेरी, देखो देखो देखो। सॉरी यार, सॉरी। हम है यहाँ नवयुग ब्लाइंड स्कूल की 50वीं सालगिरह पर, जहाँ पर पैराडाइम एंटरटेनमेंट की ब्यूटी क्वीन शबाना रजा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। अचानक इतना बड़ा निर्णय लेने की क्या वजह है? क्या इस खबर में ब्यूटी पेजेंट के अंदरूनी पॉलिटिक्स का असर है? सॉरी दीदी, टॉयलेट कहाँ है? अच्छा एक मिनट, मैं लेके जाती हूँ, रुको। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हो। चलो आपको भी जाना है। चलो भैया, ओहो साथ में चलो। हेलो गॉर्जियस, तुम दोनों यहाँ? Where have you guys been यार? हम लोग एक्चुअली थोड़े से बिजी हो गए थे, बिजी हो गए थे। We just came here to congratulate you. Congratulations my ass. Contest मैं जीती हूँ और फोटो उसका। देखो, हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है जिसकी वजह से हर जगह बस तुम्हारे फोटो छप सकते हैं।
ओ रियली? कैसे? कॉन्टेस्ट के बाद किसी ने रिया को किडनैप कर लिया। सोचो, समझो। What? सोचो। Rubbish. Not rubbish. Now think. Media frenzy. Channels. Newspapers. Sympathy. Page 3. Page 1. Exactly. Think, think, think. सोचो। You'll be all over. Hey, मानो मानो जा। तुमको लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? पता नहीं, लेकिन हमारा काम तो हो गया। हाँ, what do you mean? हमें तुम्हें किडनैप करना था, सो कर लिया। किडनैप क्या? हाँ, पहले हम लोग किडनैप हुए, अब तुम। वेलकम। लेकिन मुझे किडनैप किया क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं होगी तो तुम्हारी जगह इंटरनेशनल पैजेंट के लिए शबाना जा सके, इसलिए। समझी? काम हो गया, अब वापस ले जाए। जल्दी भी क्या है? नहीं मुन्ना भाई, वैसे नहीं, काम तो हो गया ना, लेकिन क्या काम? काम क्या? क्या क्या करोगे बाहर जाके तुम लोग? मुन्ना भाई थोड़ा संभाल। ना सा मुन्ना भाई, प्लीज मुन्ना भाई, अरे एक मिनट। हां फड़ो के स्माइल प्लीज। मुन्ना भाई भाभी आई हैं, कवालियां रो यो। तुम बड़ी हो गए ना, thank you for the song.
शबाना, शबाना ये क्या कर रही हो? शबाना I'm sorry शबाना, शबाना मेरी बात तो सुनो शबाना, शबाना ये तो बता दो कि कश्मीर के सेवे के हिमाचल के जहां होंगे, जहां तुम दोनों जाने वाले हो, मैंने तुम दोनों में विश्वास किया था और मैंने सोचा कि तुम दोनों सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भी बाकी लड़कों की तरह दूसरे लड़कों के पीछे भागने वाले आवारा बदमाश बच्चलन बच्चलन उल्टा उल्टा निकलोगे। I hate you too. अब मुन्ना जी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी ना, आप क्या कर रहे थे? देखो बेबी, ये बच्चे इनोसेंस हैं और अपने गैंग को तो तुम जानती हो, लड़के इज फ्रॉम गुड फैमिली, बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, ऐसा लाइव डांस इन्होंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ टीवी पे देखा था, इसलिए स्लाइड सा फिसल गया बस। थैंक यू मुन्ना जी। लेकिन मेरी उंगली नहीं फिसलेगी ट्रिगर से। 3 2 1 ओ किशमिश पुत्र, देखा 1 2 3 तूने बोला, गोली मैंने चला दी, इसे कहते हैं तालमेल। चाचा जी आपने शूट किया? चाचा जी थैंक यू। चाचा जी मैंने खुद देखा है उसे, उस लड़की को भगाते हुए। क्या बकवास कर रहा है? शट अप, आई हैवंट फिनिश्ड इट। चाचा जी ये सिर्फ चोरी नहीं, धोखेबाज है, मक्कार है। अरे इसका बस चले तो वक्त आने पर आपको भी धोखा दे सकता है। चाचा जी इससे बड़ा इस पूरे कारखाने में नहीं है, मतलब आपके बाद। ऋषि बिल्कुल सही कह रहे चाचा जी, मैं बहुत बहुत बड़ा, आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए और अब शबाना की शादी ऋषि के साथ कर दीजिए। कांग्रेट्स ऋषि, कांग्रेट्स। ओए ठंड रख पुत्र, ठंड रख। ओए अखरोट टूटेगा तो पता चलेगा ना कि दाना कड़वा है कि मीठा। ओ ये देखो अखबार में आज की तरो ताजा खबर। ओए मिलिट्री तेरे को अलग से इनविटेशन नहीं दूंगा, इधर आ। पढ़ क्या लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है रिया को ब्यूटी परेड से बाहर कर दिया गया है। इसमें लिखा है रिया को ब्यूटी परेड से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसने अपनी किडनैपिंग की झूठी अफवाह फैलाई। क्योंकि उसने अपनी किडनैपिंग की झूठी अफवाह फैलाई। ओए अब तो क्राउन मेरी शबाना को ही मिलेगा। ओए अब तो क्राउन मेरी शबाना को ही मिलेगा। ओए ये इसमें नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ। ओए कार्तिक तू तो वाकई में एक नंबर का हरामखोर निकला। भाई तेरे जैसे कुत्ते कमीने के पिल्ले हमारे गैंग में आ जाए तो हमारा गैंग अंडरवर्ल्ड क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। भाई कमाल कर दिया, मतलब कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ओए पप्पी दे पुत्र, क्या बात है, तेरी पप्पी में फीलिंग ही नहीं है? कोई बात नहीं, कई बार फीलिंग होती है पर ऐसा लगता है कि नहीं होती है। क्यों श्री ऋषि ज्ञानी नहीं मल्होत्रा? पर ऋषि लोग तो ज्ञानी होते हैं। कोई बात नहीं, देखो काजू पुत्र बादाम पुत्र, भाई अब तुम दोनों का कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अब तुम अगला इम्तिहान पास करोगे तो मैं फाइनल नतीजे पे आऊंगा कि शबाना का हाथ किसके हाथ में होना चाहिए। ओ मिलिट्री इधर, शबाना हाथ पीले करके बाबुल के घर से निकलेगी, उधर मैं रिटायर होके काबुल के लिए निकलूंगा। कलेक्टर चाचा मेरा भी पासपोर्ट बन चुका है, हम लोग सीधा। अरे क्या हुआ, मैं अभी काबुल पहुंचा नहीं हूँ और तू लंदन की फ्लाइट पे बैठ गया। उतर 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 गया, उतर गया। बाद में बिजनेस का तेरा प्यो संभालेगा, पेंशन की टेंशन नहीं होगी। मैं तो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा। तू सोचा मत कर, तू सिर्फ काम किया कर। चल निकाल पासपोर्ट, देखोगे? दिखा। देखो न्या बनवाया, न्या एकदम न्या। ये ले परमानेंट वीजा लगा दिया है, जहां तेरे को जाना है जा। देखो 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 घंटे पे बैठ के देखो, काठमांडू का कुतुब मीनार देखो, इंडिया इंडिया। आप अपनी बात कर रहे हैं, हमारे बारे में भी तो सोचो, क्या क्या सपने थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे इस कंपनी के। अरे सुना था प्यार आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, प्यार हमको कहाँ से कहाँ ले आया मुन्ना भाई। मानखुर अब आप ही बताइए मुन्ना भाई क्या करना चाहिए, कैसे निकले यहाँ से? चचा की चाल से बचने के लिए चालाकी से काम लेना होगा, आज भाईगिरी कॉन्फ्रेंस है, चचा का आदमी होके चचा के खिलाफ लोगों को भड़काना है। लेकिन याद रहे रात के बाद चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए। चलो अब दिखाओ अपने पढ़ाई का कमाल। इंग्लिश बोलता है मत बोल ओमकारा।
चल चुप मकड़ी। मुन्ना भाई अपन लोगों को इधर इस मीटिंग में बुलाने का कोई खास वजह? सारे सवालों का जवाब इसमें है। जब ये बचेगा सब राज खुलेगा। ये चाचा काय को अपन से हर टाइम छुपन छुपाई करता है, सामने बात क्यों नहीं करता है? ये वीडियो ऑडियो अपन का समझता नहीं भाई। मकबूल मकबूल मकबूल, वो क्या है कि आजकल अपने धंधे में रिस्क बहुत है और चाचा अपने अस्थि पंजर को देखते हुए चोर पुलिस का गेम खेलना नहीं चाहता। मेरे प्यारे चोर उचक्के गुंडे बदमाश गैंगस्टर भाइयों, मैं आज आपके सामने एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि पुलिस से भाग भाग के जूते होते हुए भी मेरे तलवे खिंच चुके हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, वजन भी थोड़ा कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिटायर हो जाऊं। लेकिन रिटायर होने से पहले मैं अपने गैंग की कैबिनेट को रीशफल करना चाहता हूँ। काजी, झगड़ा मारपीट और मर्डर का डिपार्टमेंट आप संभालेंगे। मकबूल, हफ्ता वसूली के सारे अड्डे आपके अंडर होंगे। पकिया, किडनैपिंग और फिरौती का डिपार्टमेंट संभालेंगे और कृष्णन स्मगलिंग। तो मेरे गैंगस्टर भाई हो जाओ और आज से अपने अपने धंधे के खुद बॉस बन जाओ, ऐश करो। ओए, आज नहीं कल, कल मेरी भतीजी शबाना का हैप्पी बर्थडे और मैं उसकी सगाई की अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। बस इधर सगाई की अनाउंसमेंट होगी और उधर मैं अपने वतन काबुल चला क्या बोल रहे भाई? धंधे की बात कर रहे हैं, बीकॉम है ना दोनों दामाद हमारे। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कम से कम 50% का स्टेक होगा आपका। क्या बोल रहे हैं? मतलब पार्टनरशिप, 50% का पार्टनरशिप तो रहेगा ना? हाँ। नहीं नहीं दामाद जी, अभी से अपुन को 10% मिलेगा। 10%? But Karthik यार, 10% is nothing. Yeah. Of the 10%, 0.7% would be office expenses. Exactly. 0.5% तो conveyance होगा. Correct. और 2% तो personal expenses होंगे. Oh my God, this is unbelievable. है? I need a board. सब ठीक तो है ना? अभी पता चल जाएगा. हाँ. Board आ गया, board आ गया. ला, चौक ला. चौक. समझा क्या रे लापन लोगों को? आपका share है 10%. अभी expenses बताओ. 0.7% office expenses. Plus 0.5% personal expenses. 0.5% 2% conveyance. 2% plus बच्चों का education पकड़ लीजिए 1.5% plus unforeseen expenses लगा दीजिए जैसे शादी ब्याह, चौथा birthday approximately 1% plus कोई investments है? Insurance, बीमा, SIP, mutual fund, PPF. कोई investments ही नहीं है? लो, कोई savings ही नहीं है? दामाद जी सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है? Income है 10% और expenditure है approximately 11.4%. Exactly. मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टैन थीटा। डॉक्टर्स, मेरी आंखों में देख के बोलो ये ठीक तो हो जाएंगे ना? खाक ठीक हो जाएंगे, अगर उन्हें टैन थीटा नहीं मिला तो मौत, घर का उधार, घर बिक जाएगा, बीवी के सेवर बिक जाएंगे, बच्चे सड़क पे आ जाएंगे और रो रो के तुमसे पूछेंगे कि पापा पापा आपने हमें पैदा क्यों किया। ए दामाद भाई लोग, अपन को भी ये टेन थीटा मांगता है ना? ये भाई लोग मांगता है ना? मांगता है। मेरे को भी पांच थीटा मांगता है। अरे मिलेगा ना अन्ना? टेन थीटा बेटा छोड़ो, अपने को हीरे में हिस्सा मांगता है। ए काजी, वो हीरे में अपन को हिस्सा कब मिलेगा रे? ए क्या बोल रहे तू? हीरे अपन के पास कहाँ से होंगे? ये शाने को मालूम होगा। ए शाने, अपुन के पास हीरे नहीं है, उस्मान चाचा को पता हो ये हीरे। साइलेंट करो सब लोगों, पहले ये पता करो उस्मान का बॉडी का हीरा कौन लिया, पता करो नहीं तो पानी में आग लगा डालेगा मैं। ए भाई लोग, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, चाचा हम सब लोग को एड़ा बना रहे है। ए मुन्ना, अब चाचा को जाके बोल फेस टू फेस बात होगा। क्या चाचा के बारे में कुछ मत बोल, वो तेरे बाप के जैसा है। ए, मेरा बाप भी एड़ा था और तेरा चाचा भी एड़ा है। चाचा का छिलके से मार के भाई मार कर। ए मुन्ना, चाचा को बोला तू महीने में इतना मांगता है, ये 10% नहीं चलेगा, नहीं तो ठोकते बोलो रो मना भाई। कैसे इन दोनों फुंथरों ने उस दिन चाचा का बना बनाया गेम बिगाड़ दिया था उस कॉन्फ्रेंस में। अरे मैं क्या बोलूं, इंग्लिश बोलने लग गए थे, टेंशन हो गई मुझे। और टेंशन मत ले मिलिट्री, दिमाग में टेंशन मत ले। ये तो अच्छा हुआ कि उन दोनों ने कॉन्फ्रेंस में बकवास कर दी,
पता तो चल गया कि मेरे घर में कौन नगीना है कौन कमीना है। हाँ मुझे भी पता चल गया, पर चाचा जी अगर ये दोनों जोकर एक बार में फैल गए तो क्या गारंटी है दूसरी बार नहीं फैलेंगे। चाचा ये दोनों शबाना के लिए ठीक नहीं है। ओ मुबारक हो भाई, ऐसा क्या मौका आ गया। ओ भाई नंदू ने पहली बार मुंह खोला है और कितना सही बोला है। लेकिन चाचा जी नया छोकरा कौन है? ओ नया छोकरा नहीं पुराना छोकरा है, ये मेरी बहन का पुत्र है। ओ यार मिलिट्री तू है ना, ये मेरे साथ काबुल जा रहा है तो इसका पासपोर्ट बनवा दे। ओ जी पासपोर्ट के लिए तो बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ओ भाई तू साथ होगा तो ये कहीं भी चढ़ जाएगा। ओ लो चलो भाई शबाना के केक की पत्ती बजा के उसका मर्डर करते हैं। शबाना पुत्र तेरे मरहूम पिताजी ने मरते वक्त ये रामपुरी चाकू मेरे को दिया था और कहा था शबाना का 21वें हैप्पी बर्थडे का केक इसी चाकू से काटना। ओ पुत्र इससे पहले मेरी आंख में आंसू आ जाए ये रामपुरी चाकू को सेड़ दे इस केक पे और काट दे इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हो गया। ओ गोलियां चलाओ, ओ मुक्के फोड़ो। चाचा ओ बेटी मेरे को तो डायबिटीज है पर कोई बात नहीं, प्यार से खिला रही है तो खिला दे। जिंदगी रहे पुत्र जिंदगी रहे, और तेरी सारी मुरादें पूरी हो और जल्द से जल्द तेरा विवाह हो जाए। नहीं चाचा जी कोई जल्दी नहीं है हमें, आप इसमें टाइम ही लगा सकते हैं। हाँ चाचा जी और ऐसे मामलों में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए ना। ओ लेकिन पुत्र चाचा जान आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे पता था कि हमारी तरह आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एंगेजमेंट के लिए दो दो अंगूठियां बनवाई। ओ वेरी गुड पुत्र वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी किस्मत। क्या कर रहा है? खाना खाने आया था, अभी भागने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो हर जगह पहरेदार है यार। यार ये चक्कर क्या है मुझे समझ में नहीं आया। हाँ यार इतना सब होने के बाद भी ये चाचा हमें दामाद ही समझ रहे। एक लड़की का चाचा और कर भी क्या सकता है, मतलब हालात के हाथों मजबूर है। अबे हालात के हाथों मजबूर नहीं है, मुझे बहुत बड़ा झोल लग रहा है। डॉक्टर वोंग मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। कितनी खूबसूरती से आपने मेरे दांत के कीड़े निकाल कर उसपे हीरे पर दिए। अब मैं बगैर किसी टेंशन के हिंदुस्तान छोड़ के जा सकता हूँ। अगर भतीजे चाहिए तो मोबाइल चालू रखे और ऐसी जगह रहे जहाँ नेटवर्क आता हो, फोन करेंगे। चलो शबाना के नेटवर्क से क्या कनेक्शन है मुझे क्या मालूम है। किडनैप करने की किसकी हिम्मत हुई? चाचा जी वो एक तकिए वाला मुस्टैंडा कमाल। ओए एक तकिए के लिए मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया? तकिया नहीं, तकिया नहीं, हीरे के लिए। और आपके लिए फुग्गा देके गया। फुग्गा जी? हाँ क्या लिखा इसमें पढ़ू? हाँ अगर आपको अपनी भतीजी चाहिए तो अपने दोनों दामादों को 12 बजे तक ड्रीम मॉल पहुंचना लिखा था हीरो के साथ। दोनों दामाद जी आ चुके हैं। वो दोनों ऊपर जा रहे हैं। बादाम पिस्ता हमारे वास्ते और काजू किशमिश हमारा बेगम के वास्ते। तुम ये पकड़ो हम फोन अटेंड करते हैं।
मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चाचा वो दोनों तीसरे माले पे गए। चंगा ये वाला? नहीं नहीं, वो वाला होगा। कभी गया है तो हॉरर हाउस? बात करता है। शांत रहे, शांत रहे, शांत। मम्मी नहीं पापा, दिल मजबूत तो किसको बोल रहा था? ये लोग हॉरर हाउस में बुला के भूत से डरा के हमको मारना चाहते हैं। पर तुम लोग डरना नहीं, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। कोई भूत पंगा लेना तो मेरे को बता देना। स्कीम कमाल जी, आपने हॉरर हाउस खोल लिया। कमाल जी, माँ कमाल, पहले मेरा ये हटा। बोला जी आप। डरना नहीं, सब अंधविश्वास है, मुझे विश्वास है। तुम लोग मुझे डायमंड दे दो और तुम लोग के भागने का जुगाड़ मैंने कर लिया है। लेकिन शबाना बड़ा प्यार आ रहा है शबाना पे। अरे वो घर की बच्ची है, पहुंचा दूंगा चाचा के पास उसको। ये सब मेरा प्लान है। मतलब शबाना को आपने किडनैप किया है? ओ तेरी, मेरे करियर की ऐसी तैसी किसने की? चाचा ने। मेरे पासपोर्ट पर गोली किसने मारा? चाचा ने। मुझे हीरे किसने नहीं दिए? चाचा ने। तो किसकी भतीजी का है वो? किसकी? लेकिन हीरो का असली वारिस उस्मान भाई के भतीजे वसीम और मैं। दामाद जी हीरे हमको दो और छुड़ा लो लुगाई को। देखा, डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ फंस गए यार, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ना तो मुझे शबाना चाहिए और ना ही उसका प्यार और ना ही ये नकली हीरे। लेकिन अगर यहाँ रहेंगे ना तो असली में मरेंगे। चल उधर झोपड़े में चलते हैं, कम से कम जान तो बचेगी। अरे यार लेफ्ट हैंड में ना तो कंट्रोल नहीं हो पाया। क्या कर रहे हैं आप? हीरे दे दो, सन्नाटी जगह है। प्लीज गिव मी, गिव मी, गिव मी। दामाद जी हीरे मुझे दो। शबाना वसीम के पास है, मैं वसीम को बोलता हूँ। ऐसा कैसे हीरा तुमको देगा? तुम पहला 10-10 हीरा हम दे दो। अरे चुप कर, 8 से आगे गिनती आती नहीं और हीरे चाहिए 10। ए अगर शबाना चाहिए तो हीरे इधर फेंक दो, जल्दी करो, जल्दी। और नहीं हो नहीं, और काजू और बादाम जब तक ये शबाना को इधर ना भेज दे तब तक हीरे इनके हाथ में मत देना। ओए मुन्ना तू आसीन का सांप। कौन जी मैं? हाँ तू। ओए हीरे देखे, और तूने भी फन फैला लिया। तेरे को तो मैं अपनी 9 नंबर की जूती के नीचे मसल के रखूंगा। अरे यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। आप लोग कॉन्फ्रेंस बुलाकर डेमोक्रेटिक तरीके से डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि हीरे किसको मिलना चाहिए? ऑलवेज बेटर। चलो भाई हीरे निकालो, नहीं तो जहां से आपको लाया ना लौट वही दफना देगा तुम दोनों दामादों को। दामाद हम लोग कब से सुन रहे हैं दामाद दामाद दामाद। ना तो हमारे दिल में शबाना के लिए कोई प्यार है और ना ही जेब में असली हीरे, समझे? कोई प्यार नहीं करते हम लोग शबाना से, और असली हीरे तो चाचा के दांतों में है। हाँ, स्वर्गीय डॉक्टर वांग ने उनके दांतों से कीड़े निकालकर हीरे डाल दिए। ओहो, देख रहे हो कमाल, काले हाथी की दांत दिखाने के और खाने के। और तू जा बेटा। ओए छिलको, जिस हाथ ने तुमको खाना खिलाया उसी हाथ को काटना चाहते हो तुम? अबे हीरे चाचा के दांतों में है, तोड़ दो चाचा के दांत। Yeah.
लेकिन हमारा मकसद तुम्हारे दिल से खेलने का नहीं था, लेकिन हम अपनी जान पर भी तेरे कैसे तेरा आज शबाना, देखो देखो तुम अपने बिरादरी के किसी होनहार गुंडे को अपना लो और अपने चाचा से कहना कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले प्लीज शबाना। आपके खून का कर्ज उतार दिया, कम से कम ये खून किसी अपने के काम तो आया। और चाचा जी जो आपके लिए अपनों से बढ़कर है वो नंदू के लिए किसी से कम नहीं। ओ नहीं, ओ नहीं, कुछ नहीं होगा तेरे को। ओए मुन्ना, ओए क्या हुआ? ओए ये देख रहा है? अरे ये तो मरा ही नहीं। नहीं मरा है, पर तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओए तेरे को हीरे चाहिए ना, ये ले। मुझे हीरे अमन और शांति के साथ काबुल जाने दो। चाचा जी हमारी जगह अमन और शांति को लेके जा रहे हैं। यही मौका है, जब तक ये अंडरवर्ल्ड का सैड सॉन्ग चल रहा है ना, हम लोग भी यहाँ से कट लेते हैं। नंदू ठीक कह रहा है। ओए बादाम काजू, ओए तुमको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमें पूरा यकीन है कि शबाना अपने लिए एक अच्छा लड़का चुन लेगी। चुन लेगी नहीं, चुन लिया है। कांग्रेट्स यार, गुड। नहीं नहीं, मैं तो मांगलिक हूँ, तेरे बारे में बात करी होगी। तुम दोनों में से नहीं। देन हू ने चाचा जान वो नंदू अपना नंदू। वही तो मैंने बोला ना चाचा जी, जो आपके लिए अपनों से बढ़कर हो वो शबाना के लिए किसी से कम कैसे हो सकता है? ओए पुत्र, ओए नालायक हो ना तो तुम शबाना के लायक हो और ना मेरे धंधे के। एक बात याद रखना कि तुमने शबाना को नहीं छोड़ा है, शबाना ने तुमको छोड़ा है। या, जी या। इतनी अच्छी लड़की और इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया, पछताओगे तुम। जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे अंधा है क्या साला? अमीर बाप की। I'm so sorry, I'm so sorry. Are you okay? Oh shit, you're not okay. जल्दी आप गाड़ी में बैठिए, जल्दी मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। चलिए चलिए, let's not waste time. चलिए। Shit guys, like I'm so terribly sorry. What was I even thinking? I mean, I should have been more careful. Don't worry. So guilty. Nanny, don't worry. We're fine. We're absolutely fine. Yeah. Are you okay? No. लगता है इनके दिमाग को चोट पहुंची। Don't worry, guys. I'm just trying my level best to get to the hospital ASAP. कौन से डॉक्टर के पास ले जा रही है मुझे? यही पास में, मेरे घर के पास ही है। अब यही रहती है पास में? Good idea. तो क्यों ना हम इन्हें इधर ही क्लिनिक में छोड़कर आपके घर पर वेट करते हैं? Oh, I really wish, but you know, I have to go to Jaipur. मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है। How sweet. मुझे भी वही जाना है। एंगेजमेंट पर? नहीं नहीं, चेंबूर। मुझे भी मुझे भी चेंबूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है प्लीज। मेरे फैमिली डॉक्टर है वहाँ पे, डॉक्टर देसाई। अरे तुझे यही छोड़ देते हैं ओपीडी में? यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इलाज है। ओके
यार सो फनी नो ऋषि, अच्छी लड़की देखी नहीं कि गंदे गंदे जोक्स मारना शुरू कर देता है। आपका नाम क्या बताया मिस? शबाना। शबाना और आप? कुड़ी बेचारू ले गई पर दिल लुट के